हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ। पार्ट 1 में मैंने कुछ टॉपिक को कवर कर लिए हैं, तो ये पार्ट हमारा 2 है। पार्ट 2 है जिसमें मैं आगे के टॉपिक का डिस्कशन आप लोगों के साथ करूँगी। तो पार्ट 1 में मैंने कौन कौन से टॉपिक का डिस्कशन किया है वो मैं पहले बता दूँ। तो पार्ट 1 में हमने टॉपिक का डिस्कशन किया वो है व्हाट इज़ मैटर। व्हाट इज़ मैटर, मैटर का डेफिनेशन, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया था। एंड जो थर्ड पॉइंट था वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इतने पॉइंट को हमने कल कवर किया था। आज हम जो पढ़ने वाले स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्या है उनकी प्रॉपर्टीज़, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ और जो गैस है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले सॉलिड की बात करूँ तो यहाँ पे सॉलिड है। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट बाउंड्रीज। सॉलिड, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके घर पर जो एग्जाम्पल है वो एक टेबल है, उसका जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है, उसकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो डेफिनेट होती है, वॉल्यूम भी उसका डेफिनेट होता है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं कि उस पर कोई आउटसाइड फोर्स लगाया जाए तो वो एक टेंडेंसी उसकी होती है कि अपने जो शेप को है वो मेंटेन रखता है। दैट्स अ सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ओके, और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़? सॉलिड क्या, हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं तो सॉलिड अपने शेप को चेंज नहीं करता है, बल्कि वो क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक करता है, राइट? इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। और ये बहुत बार क्वेश्चन आपको अराइज हो चुका है, ठीक है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप देख सकते हो कि सॉलिड को हम क्यों रिजिड बोलते हैं। तो इसका ये 2 रीज़न होगा, ठीक है? ये जो लास्ट पॉइंट है, देर इज़ लेस काइनेटिक एनर्जी अमंग द पार्टिकल्स इन सॉलिड। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं, दैट्स वाई इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होता है और ये बहुत ही कम मूव कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैस। ओके, तो हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही रिलेटेड हैं। What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? It is solid. यहाँ पे आपको बोल रहा है एक रबर बैंड लेते हैं, उसको हम क्या स्ट्रेच कर सकते हैं? यदि स्ट्रेच कर सकते हैं तो क्या वो सॉलिड है? इसके बारे में आपको क्वेश्चन किया गया है। तो येस, रबर बैंड क्या है? सॉलिड है। बट हाँ, ये अपने जो स्ट्रेच करते हैं तो शेप को तो चेंज करता ही है, फिर भी इसे सॉलिड क्यों बोलते हैं? उसका आंसर है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर, अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप द फोर्स इज रिमूव। जब इस पर फोर्स लगाते हैं तो अपने शेप को तो चेंज करता ही है, बट जैसे ही हम फोर्स को हटा लेते हैं तो अपने जो ओरिजिनल शेप में है वो फिर से आ जाता है। यदि इस पर एक्सेसिव फोर्स लगा देते हैं तो क्या होता है, ये इट मे कैन ब्रेक। ओके, दैट्स वाई इट इज़ सॉलिड। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। जो सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्ट और शुगर से रिलेटेड है, किसी भी जार में हम रखते हैं तो वो क्या होता है, उसके कंटेनर के शेप में शेप ले लेता है, तो क्या ये सॉलिड है? तो यस, इट इज़ सॉलिड। क्यों? जो बहुत सारे पार्टिकल्स को हम कंटेनर में रखते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है, बट हम इंडिविजुअल शुगर या फिर सॉल्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने शेप को चेंज नहीं करता है, दैट्स वाई इट इज़ सॉलिड। यहाँ पे जो आंसर है वो यही है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड व्हेनेवर वेदर वी कैन टेक इट इज़ आवर हैंड और पुट इट अ प्लेट और जार। ओके, तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। थर्ड है आपका जो स्पंज होता है, घर पे भी आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, तो ये सॉलिड है फिर भी हम इसको कंप्रेस क्यों कर सकते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्पंज होते हैं उसमें क्या होते हैं, होल्स होते हैं, उसमें एयर ट्रैप्ड होते हैं। ओके, हम प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकलता है बाहर, और फिर से हम जब छोड़ देते हैं उसे तो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, दैट्स वाई हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें एयर नहीं होते, होल्स नहीं होते, तो हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, राइट? तो ये हमारे 3 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से लिखना है, ठीक है? अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम
लिक्विड के बारे में। तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये क्या होती है, फिक्स शेप नहीं होती है बट फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। लिक्विड गेट द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, जिस भी कंटेनर में इसे रखा जाता है वो उसकी शेप को ले लेता है। दैट्स वाई इट हैव नो फिक्स शेप। ओके, लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो यहाँ आपका लिक्विड से रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन रिलेट, फर्स्ट हमने सॉलिड का पढ़ा था और सेकेंड हम लिक्विड का कर रहे हैं कि हम लोग लिक्विड को फ्लूइड क्यों बोलते हैं, राइट? तो इसका आपको आंसर यहीं पर मिल जाता है, राइट? लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, लिक्विड को हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये आपका लिक्विड का जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हमने देखा। यहाँ पे आप लिक्विड के पार्टिकल्स को देख रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, थोड़े दूर दूर होते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे फिगर में। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ पे है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड। अभी यहाँ पे क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। ओके, यहाँ पे भी गैसेस स्टेट की बात नहीं हो रही है। देयरफॉर देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, दे कैन फ्लो इजीली। देयरफॉर क्या होता है, यही रीज़न है कि उनके बीच में स्पेस होता है और ये क्या होते हैं, ईजिली फ्लो कर पाते हैं, राइट? दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दैट इज़ वाई दे कॉल्ड फ्लूइड्स। ये हमने पहले भी देखा कि हम इसे फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिक्विड से रिलेटेड जो आपको याद रखने हैं, राइट? यहाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अरेंज ईच अदर इज नॉट फिक्स। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं ना वो अरेंज मतलब एक दूसरे से फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं, राइट? यू माइट हैव सीन द लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच पुट देम। ठीक है, ये टॉपिक, ये हमने जो पॉइंट है वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लिक्विड के सॉलिड के कंपेरिजन में ये इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये आपको पॉइंट्स इतने क्लियर हो गए हैं। अभी हम नेक्स्ट क्या बात करेंगे कि ये डिफ्यूज़न के बारे में हमने कल थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि डिफ्यूज़न क्या होता है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स पार्टिकल्स, ठीक है, एक दूसरे से जो डिफरेंट टाइप के मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो मिलते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। ये हमने कल ही पढ़ा था, आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। तो कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड, लिक्विड के साथ कोई अदर मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज या फिर इंटरमिक्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चंस हैं। यस, अदर मैटर कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड वेदर इट इज़ सॉलिड लिक्विड और गैस। लिक्विड के साथ या तो लिक्विड या तो गैस या तो फिर सॉलिड हो वो मिक्स हो सकते हैं। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे आपको दो तीन एग्जांपल दे रखा है डिफ्यूज़न सॉलिड इनटू लिक्विड का। लिक्विड और सॉलिड का जो डिफ्यूज़न है वो क्या हो सकता है, तो शुगर इन टी, टी लिक्विड फॉर्म में होता है, शुगर सॉलिड फॉर्म में होता है, दोनों के पार्टिकल्स इंटरमिक्स होते हैं, राइट? सेकेंड है लिक्विड इनटू लिक्विड मिक्सिंग इंक इन वाटर, जो कल ही हमने एग्जांपल दिया था कि वाटर में इंक को रख देते हैं तो डिफ्यूज़ हो जाता है और पूरे वाटर का कलर चेंज भी हो सकता है। डिफ्यूज़न गैस इनटू लिक्विड, लिक्विड का डिफ्यूज़न गैस के साथ कैसे होता है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, हम वाटर में देखते हैं वाटर का फॉर्मूला ही होता है H2O, तो क्या होता है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स होते हैं, हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे आपको वही बताया कि जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं क्या होते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिफ्यूज़न है गैसेस इनटू लिक्विड स्टेट का। ओके, अभी हम नेक्स्ट गैस की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, तो इसका ना तो फिक्स्ड, ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ओके, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, वेरी मच कंप्रेसिबल होता है ये, नाइदर रिजिड और नॉट फ्लूइड। हमारा सॉलिड जो है वो रिजिड फॉर्म में होता है, जो लिक्विड है उसको हम फ्लूइड क्यों बोलते हैं, बट हमारा जो गैस होता है ना तो रिजिड होता है और ना ही फ्लूइड होता है। ओके, इसके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही लेस्ट होता है, बहुत कम होता है, दैट्स वाई ये कहीं भी रहते हैं, जैसे हमारे आजू बाजू भी गैसेस स्टेट है, गैस है। गैसेस सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स वाई ये क्या होते हैं, डिफ्यूजन रेट इसका बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत फास्टली मूव कर पाते हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि क्या है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, गैस
लिक्विड सॉलिड तीनों के जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने पढ़ा है। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम रिलेटेड कुछ गैसेस से रिलेटेड। तो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव लीस्ट और ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। ओके ये हमने पढ़ा कि क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। तो इनके बीच में जो होते हैं ना वो लार्ज नंबर ऑफ स्पेस बिटवीन दे कैन फ्रीली मूव इन एनी डायरेक्शन। दैट्स वाई क्या होते हैं, जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में वो फास्टली फ्रीली मूव कर सकते हैं, राइट। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपके हैं, ये जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी और जो स्पेस होता है उसके बारे में भी हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे आपको बताया गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे है, यहाँ पे ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तीनों के पार्टिकल्स के बारे में बताया गया कि कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड, या फिर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के बारे में बताया गया कि सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और ये जो गैस है गैस में बहुत ही कम होता है इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ओके तो सबसे ज़्यादा किस में, सॉलिड में होता है, फिर होता है गैस, सॉरी लिक्विड, उसके बाद क्या होता है गैस। ओके तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स किस में होता है, सॉलिड देन लिक्विड देन गैस। तो चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम बात करेंगे डिफ्यूज़न के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्यूज़न। मैंने इसका डेफिनेशन मैंने आगे पढ़ा दिया है और डिफ्यूज़न के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हो गया, जैसे लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड लिक्विड टू सॉलिड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। हमने डेफिनेशन पहले ही देख लिया था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज़न, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। मतलब किसी भी दो डिफरेंट टाइप के मैटर्स के पार्टिकल्स का आपस में मिलना वो क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है। और हमने कल ही पढ़ा था डिफ्यूज़न और जो टेम्परेचर का रिलेशन, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो डिफ्यूज़न रेट ऑलरेडी मतलब साथ में ही इंक्रीज़ होता है, राइट। तो यहाँ पे जो है आपका एक एग्जांपल दे रखा है कि हाउ डज द स्मेल ऑफ फूड रीच अस। आपने जैसे डेली लाइफ में देखा होगा कि क्या होता है ना, गरम जो खाना होता है उसका जो स्मेल है वो फटाफट आप तक पहुंचता है, और जो ठंडा खाना है उसके पास में जाके हमें स्मेल लेना पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डिफ्यूज़न से रिलेटेड, और आपके एनसीईआरटी बुक में भी इसका पूरा पूरा मतलब डिस्कशन किया गया है कि कैसे क्या है। तो क्या होता है यहाँ पे, आपको वही मैं क्वेश्चन का डिस्कशन कर रही हूँ कि द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड मिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पार्टिकल अरोमा ऑफ फूड। ओके ये क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ। ओके जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीच इन सेकेंड। हमने अभी अभी बताया कि क्या होते हैं, जो हॉट कुक फूड होता है गर्म होता है उसका जो हमारा स्मेल होता है वो सेकेंड में ही पहुँच जाता है, जबकि जो ठंडा होता है उसका कम होता है। क्यों, क्योंकि उसका जो गर्म खाना होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। दैट्स वाई अरोमा पार्टिकल्स क्या होते हैं, फास्टली मूव करते हैं और हम तक जल्दी पहुंचते हैं। मतलब डिफ्यूज़न रेट ऑफ अरोमा पार्टिकल्स ऑफ जो क्या होते हैं हॉट कुक फूड इज़ मोर देन कोल्ड फूड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका रीज़न होता है, देखिए गैसेज सो द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इन टू गैसेज। गैस के पार्टिकल्स के साथ मिलना मतलब इसका डिफ्यूज़न रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब अरोमा पार्टिकल्स भी गैसेस स्टेट में होते हैं और एयर के साथ ही मिक्स होते हैं, तो उनका जो डिफ्यूज़न रेट है वो काफ़ी फास्टली होता है। और गर्म खाने में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी हाई होता है, दैट्स वाई डिफ्यूज़न रेट हाई होता है और वो जल्दी हम तक पहुँच पाता है उसका स्मेल, राइट। तो यहाँ पर आपका डिस्कशन किया गया है पूरा, ठीक है। अभी हम चलते हैं, बहुत सारा डिस्कशन इस पे हो गया है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको रॉन्ग नहीं करना है। नेक्स्ट है चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हमने बहुत कुछ अभी पढ़ लिया है, अभी हम क्या देखेंगे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू टेम्परेचर ड्यू टू प्रेशर। अभी हम टेम्परेचर से रिलेटेड बात करेंगे, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट करता है स्टेट। जैसे हम लोग एग्जांपल वही वाटर का ले लेते हैं, तो आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है,
उसके बाद जब हम उसे हीट करते हैं, देखिए यहाँ पे हीट है तो हीट करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में, वाटर फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद हम फिर गर्म करते हैं तो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में आ जाता है, मतलब वो वेपराइजेशन हो जाता है, वेपर फॉर्म में चला जाता है, जिसे वाष्प बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द प्रेशर। जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अपना जो स्टेट है उसका चेंज होता जाएगा, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और उसके बाद आपका ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट। यहाँ पे आपका ये पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे वही जो मैंने डिस्कशन किया वो है। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है, जैसे गैसेस स्टेट में है तो इसको कूल करेंगे, मतलब टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और फिर लिक्विड स्टेट को कूल करेंगे मतलब टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट करते हैं जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो हम यहाँ सबसे पहले पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट में हम देखेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। ओके, और बॉइलिंग पॉइंट में भी देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। ये दोनों डेफिनेशन और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस चैप्टर में समझने होंगे, और ये मतलब ये आपने समझ लिया अच्छे से मतलब चैप्टर आपका क्लियर है। ओके, तो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, कोई भी सॉलिड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होता है, सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड फॉर्म में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं केल्विन में है, 273.16 अप्रॉक्सीमेटली 273 केल्विन भी ले सकते हैं हम लोग। ओके, मेल्टिंग पॉइंट को या फिर प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को हम फ्यूज़न भी बोलते हैं। फ्यूज़न आपको ध्यान रखना है, फ्यूज़न भी वन मार्क क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ जाता है, तो ये डेफिनेशन आपको दिया रहेगा और फ्यूज़न आपको ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक कर सकते हो उसे। अभी क्या होता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, ये भी बात है, ये क्वेश्चंस हैं कैसे चेंज होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया है आपसे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉलिड का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है तो क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है तो क्या होते हैं, अपने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूटने लगता है उनके बीच का, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तो वो पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। अभी जैसे ही वो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये है पूरा प्रोसेस मेल्टिंग पॉइंट का। ओके, अभी नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब क्या होता है ये आपको समझना है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब छुपा हुआ। ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, द अमाउंट, डेफिनेशन इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ओके, आपको क्या है, डेफिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि कितनी हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्या, 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए लिक्विड फॉर्म में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न के बारे में। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने बोला था कि इसमें वेपराइजेशन आएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में डिस्कशन आएगा, सेम होता है, मैं बताती हूँ थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, हमने वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बोला था, क्या बोला था, सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, चेंज होता है लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पे क्या बोला हमने, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम क्या बोलते हैं इसे, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ओके,
बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, वन मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना, मतलब कि इसमें जो होते हैं बल्क, जो होते हैं बल्क फेनोमेना क्यों बोलते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ ही वर्क करते हैं, मतलब पूरे पार्टिकल्स एक साथ वर्क करते हैं, दैट्स हम इसे बल्क फेनोमेना बोलते हैं। और इस जो वाटर का है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सी होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में लेते हैं तो 373 केल्विन होता है, राइट। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया। और जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट का डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ, वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट का पूरा डिस्कशन है यहाँ पे। अभी हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी डेफिनेशन है आप लोगों के, वन मार्क क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है, वन मार्क्स टू मार्क्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं आप लोगों में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वहाँ भी हमने यही पढ़ा था, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इंटू गैस, वहाँ हमने क्या पढ़ा था 1 kg ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा लिक्विड इंटू गैस एट एटमोस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट पे हम क्या इसका स्टेट चेंज कर रहे हैं, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट पे इसका स्टेट चेंज कर रहे हैं, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन। तो फाइनली डेफिनेशन क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोगों को ध्यान में रखना है ये, ठीक है। तो इतना पॉइंट कवर हुआ, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं फिर आगे हम लोग, सप्लीमेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लीमेशन क्या होता है ये तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे घर में कपूर होगा तो वो क्या होता है हम खुले में छोड़ देते हैं तो क्या होता है एकदम से गायब हो जाता है, उड़ जाता है जैसे बोलते हैं, तो वो क्या होता है वो सब्लिमेशन होता है, वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सब्लिमेशन का, ओके, सब्लिमेट हो जाता है। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड स्टेट, ओके, इज नोन एज सब्लिमेशन, ओके। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट चेंजेस होता है फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट की ओर, ओके। यहाँ पे आपका जो एनसीईआरटी है उसमें एक प्रैक्टिकल दे रखा है, मैं वो समझा देती हूँ आपको क्या है। आप देखोगे कि यहाँ पे एक बर्नर है, यहाँ पे आप प्लेट रख रहे हैं चाइना डिश जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे एक फनल है, फनल को क्या किया यहाँ पे रुई से ढक दिया है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया रुई से ढक दिया, उसके बाद इसको गर्म करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया है, तो क्या हो गया ये जो है सॉलिड अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे लिया, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड जैसे ही गर्म करना स्टार्ट किया तो क्या हो गया वेपर फॉर्म में ये अंदर अंदर ऐसे होगा, ठीक है, उड़ेगा बाहर। जैसे ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, हम बर्नर बंद कर देंगे, बर्नर बंद कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ जैसे ही बर्नर बंद करें टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो यहाँ जो आप देख रहे हो ना साइड में, यहाँ वो क्या हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में वो मतलब कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, सॉलिफाइड हो जाता है, सॉलिडिफाइड यहाँ पे हो जाएगा, तो हम देखते हैं कि वो अमोनियम क्लोराइड है। तो ये एक आपका एग्जांपल है, सॉरी प्रैक्टिकल है, कि वो डायरेक्टली वेपर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में हो जाता है फिर डायरेक्टली वो वेपर फॉर्म में चला जाता है, राइट। तो हमने सब्लिमेशन के बारे में भी देख लिया, एग्जांपल आपका अमोनियम क्लोराइड है, कम्फोर है मतलब कपूर, ड्राई आइस क्या होता है CO2 होता है, CO2, ओके, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस बोलते हैं, ओके, सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ड्राई आइस बोलते हैं। इसके क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। फिर नेफ्थलीन बॉल्स जो कपड़े में रखते हैं ना हम लोग घर में, उसको नेफ्थलीन बॉल भी यही होता है, धीरे धीरे आप देखोगे कपड़े से गायब भी हो जाता है, दैट्स वाई क्या होता है ये हमारा सब्लिमेशन का एग्जाम्पल होता है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रेशर के बारे में हम देखेंगे। जैसे हमने टेम्परेचर में कैसे क्या क्या हमने पढ़ा, टेम्परेचर में हमने पढ़ा क्या क्या, तो मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, सब्लिमेशन पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न पढ़ा, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन पढ़ा। तो ये काफ़ी सारा डेफिनेशन, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कवर हो गए हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, जितने भी क्वेश्चंस रिलेट करते हैं इस चैप्टर से वो सारा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी।
अभी नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँ तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है यहाँ पे। तो क्या होता है व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर, हम किसी भी, जैसे हम एक सिलेंडर में हैं उसमें गैस इनक्लोज है और हम उस पर प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं, तो क्या होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं, वो यहीं पर समझाया गया आप लोगों को। जैसे ही क्लोज आएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, हम लोग इंक्रीज करें या फिर डिक्रीज करें प्रेशर तो क्या होता है जो मैटर का स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है, राइट। यहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको बताया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ओके, सॉलिड फॉर्म में वो क्यों होता है, क्योंकि उस पर बहुत ही हाई प्रेशर दिया जाता है। एक CO2 हम ले लेते हैं, CO2 गैसियस फॉर्म में है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएं तो वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट सॉलिडिफाइड हो जाता है, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं, राइट। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज प्रेशर टू 1 atmosphere विदाउट कमिंग लिक्विड स्टेट। ये जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होता है लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में नहीं आता, वो डायरेक्टली क्या हो जाता है फिर गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, ओके। दिस इज द रीज़न दैट्स, यही रीज़न है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो ये आपका इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ओके, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आते हैं, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए नेक्स्ट मैं बताती हूँ, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक कोई पिस्टन आपको है, उसमें क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है, इसमें गैसेस, गैस के पार्टिकल्स हैं, इस पर जो पिस्टन है, जो पिस्टन से हम लोग क्या कर रहे हैं इस पर प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर लगाते हैं तो सेकंड आप देख सकते हो कि उसके जो पार्टिकल्स है, गैसेस पार्टिकल्स, वो काफ़ी क्लोज हो गए हैं, ओके। तो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए, मतलब लिक्विडिफाइड हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद ये जो थर्ड फिगर है इसमें और भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इंक्रीज द प्रेशर, जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हो जाते हैं और वो फिर सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो ये तीन आपको फिगर के थ्रू आपको बताया गया है प्रेशर का कैसे वर्क करता है, चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ओके। अभी जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 states ऑफ मैटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंटर कन्वर्जन कैसे होता है, उस कन्वर्जन को क्या नाम देते हैं हम लोग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देख सकते हो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ओके। यहाँ पे सॉलिड है, सबसे पहले स्टार्ट में सॉलिड से करती हूँ, तो सॉलिड है क्या हो गया, गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं या फिर मेल्टिंग पॉइंट्स हमने पढ़ा था, तो ये हो गया आपका फ्यूज़न, ओके। फिर लिक्विड को सॉलिड फॉर्म में चेंज करना होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन आपको याद रखना होगा ये। और समझने की बात है, जैसे लिक्विड को हम क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे, जैसे वाटर है, वाटर को हम फ्रीज में रख देते हैं तो फ्रीज हो जाता है और वो आइस के फॉर्म में आइस फॉर्म हो जाता है उसका, राइट। उसके बाद लिक्विड टू गैस की बात कर लेती हूँ, तो लिक्विड को गैस, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाता है, गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में आ जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वेपराइजेशन बोलते हैं। और फिर गैस को लिक्विड के फॉर्म में चेंज करना होता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ओके। अब सॉलिड टू गैस की बात कर लूँ, तो सॉलिड टू गैस डायरेक्टली जो चेंज होता है विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, तो इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। हाँ, पहले जो NCERT था उसमें यहाँ पे भी सब्लिमेशन था, बट अभी जो नया है उसमें क्या है कि गैस को सॉलिड के फॉर्म में चेंज करना होता है तो उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं, ओके। तो आपको याद रखना है सब्लिमेशन गैसियस टू सॉलिड में जाएगा तो डिपोजिशन होता है, सॉलिड टू गैस में जाता है तो वो सब्लिमेशन होता है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस की हूँ, ये आप लोगों को लर्न रखना है, क्योंकि आप लोग अक्सर एग्ज़ाम में आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको पूछ दिया जाता है तो वो आप कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करती हूँ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवोपरेशन। इवोपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये क्या होता है इवोपरेशन में, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके जो प्रैक्टिकल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं वो कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, राइट।
सबसे पहला है एवोपरेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवोपरेशन? द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर. लिक्विड क्या होता है? वेपर में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर. कोई भी पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है यहाँ पे. एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही क्या होता है, ये लिक्विड जो होता है वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, इज कॉल्ड इवोपरेशन. ओके, तो इसमें क्या होता है, इवोपरेशन इज सरफेस फेनोमेना. इवोपरेशन क्या है? एक सरफेस फेनोमेना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, जो लिक्विड होता है वो सिर्फ सरफेस से हटता है और वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, पूरा बल्क के फॉर्म में नहीं हटता है. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड सरफेस इवोपरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना. ओके, अभी हम इससे रिलेटेड कुछ देखेंगे, पॉइंट्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टेड होते हैं इससे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, नेवर इन रेस्ट. ये हम जानते हैं कि जो मैटर्स की जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते, वो ऑलवेज कंटिन्यूसली मूव करते हैं. ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में ही पढ़ा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखना है. ओके, फिर यहाँ पे है, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और देर इज़ अ पार्टिकल इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये भी हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट जो गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट या फिर सॉलिड स्टेट, इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज रहता है, कम ज़्यादा रहता है. ओके, तो इसके बारे में आपको बताया गया है. A small fraction of particles at surface have higher kinetic energy, able to break away from the force of attraction of the other particles, get converted into vapor. Okay. जो surface के liquid जो particles होते हैं उसमें higher kinetic energy होती है, that's why वो क्या करते हैं, अपने force of attraction को मतलब break कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, vapor form में change होता जाता है, मतलब gases form में change हो जाता है, right? That's why हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सरफेस फेनोमेना बोलते हैं, राइट? ये आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपको, इसको सरफेस फेनोमेना क्यों बोलते हैं, बॉइलिंग को बल्क फेनोमेना क्यों बोलते हैं, वो भी मैंने आपको समझाया है. अभी देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन. इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है, तो ये डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल है उससे भी आप समझ सकते हो. ये फर्स्ट जो फैक्टर्स है वो सरफेस एरिया है. फर्स्ट फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया. सेकंड है इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी और इंक्रीज विंड स्पीड. ओके, हम सरफेस एरिया की बात करें तो जो क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज ज़्यादा तो इवोपरेशन इंक्रीज. ठीक है, टेम्परेचर का भी उसी तरह है, जैसे धूप ज़्यादा रहा तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है आपका, ये भी आप देख सकते हो. तो ये भी इवोपरेशन का ही एक एग्जांपल है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर का. टेम्परेचर कम रहता है तो क्या होता है, इवोपरेशन कम होगा, इवोपरेशन रेट कम होता है. ओके, और फिर मैं बात करूँ ह्यूमिडिटी की, तो आप देखोगे जो रेनी सीजन होता है उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है वेदर में, दैट्स वाई क्या होता है कि हमारा जो है कपड़ा वो जल्दी नहीं सूखता है. वही आप सनी डे में देखोगे तो जल्दी सूख जाता है. तो ये है फैक्टर इवोपरेशन का. ओके, विंड स्पीड की भी वही बात कर लें, जैसे हम स्वेट हम खुद की ले लें, तो गर्मी की बात करूं तो क्या हो जाता है, जो हम स्वेटिंग होता है तो वो ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है तो जल्दी सूखता है, नहीं चलती ह्यूमिड रहता है तो वो क्या होता है, उसी तरह से बना रहता है, राइट? तो ये जो इसके फैक्टर्स हैं उसके बारे में मैंने बताया है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, और ये काफ़ी ईजी है, डेली लाइफ एग्जाम्पल से आप याद भी रख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके जो एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, और एक टॉपिक है, हाउ डज इवोपरेशन कोज कूलिंग. इवोपरेशन कूलिंग कैसे होता है वो आपको पढ़ना है. ठीक है, तो क्या करता है, अब मैं अच्छे से आपको बता रही हूँ. इन एन ओपन वेसल्स द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग. क्या होता है, कैसे कूल करता है, तो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवोपरेशन. क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं, सरफेस लिक्विड पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग. सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, जो उनसे उन्हें पहले जो इवोपरेशन के दौरान जो उनकी एनर्जी लॉस्ट हो गई उसे रिकवर करने के लिए. और इसी वजह से हमें क्या होती है, और ये जहाँ से एनर्जी ले रहा है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, राइट? तो ये पूरा इवोपरेशन का फेनोमेना है कि कैसे ये कूल करता है. ठीक है,
अभी जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ. सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. व्हाट हैपन व्हेन यू जब हम अपने हथेली पे एसीटोन को रखते हैं तो हमारा जो पाम होता है वो ठंडा क्यों हो जाता है? तो ये बहुत समझने वाली बात है कि जैसे हम एसीटोन या फिर पेट्रोल वगैरह को हम अपने हथेली पे रखते हैं तो क्या होता है, वो हमारे हथेली के सरफेस से वो एनर्जी को ले लेता है. और क्या करता है, पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम आवर योर पाम या फिर आवर पाम और सराउंडिंग एंड डेवलप कॉजिंग द पाम टू फील कूल. ओके, दैट्स वे हमें क्या लगता है, हमारी हथेली ठंडी लग रही है. ओके, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एनर्जी को एनर्जी गेन करता है फ्रॉम द सराउंडिंग और योर पाम. यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाई मतलब हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं. तो कॉटन क्या होता है, गुड ऑब्जर्वर होता है ऑफ वाटर, हेल्प इन ऑब्जर्विंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इन एटमोसफेयर. इस क्या होता है, इजी इवोपरेशन होता है, दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, कूल फील करते हैं. ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसका मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है, तो आप अच्छे से देखना समझना. और ये क्वेश्चंस क्या हैं, तो जो हम ग्लास कंटेनर या फिर कोई फ्रिज से बॉटल निकालते हैं तो उसके बाहरी जो सतह होती है उस पर वाटर क्यों बाहर निकलती है, उसके बारे में आप लोग दिया है. ठीक है, तो वही है, समटाइम्स वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर. दिस इज बिकॉज वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यहाँ पे ऑन कमिंग कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड वाटर, कोल्ड ग्लास वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स. ओके, तो ये है पूरा फेनोमेना कि कैसे इवोपरेशन वर्क करता है और कैसे कूल करता है. तो ये पूरा आज का चैप्टर था. आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने डिस्कस किए. कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी. और आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर से मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और फिर लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को. मैं नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आप लोगों के सामने लाऊँगी. तो ठीक है, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक ले, बाय, टेक केयर.